बच्चों मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला। अब देखिए बच्चों ये क्या है बताइए है, और ये मेरे हाथ में क्या है, लेजर लाइट। अब मैं इसके ऊपर लेजर लाइट डाल रहा हूँ, तो लेजर लाइट जब मैंने इसके ऊपर डाली तो आपको ये प्रकाश की किरण इसके अंदर से जाती हुई दिखाई तो दे रही है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस बिलियन को, इस पानी को, इसे मैं कोलाइडी बिलियन बनाऊंगा। कोलाइडी बिलियन का मतलब या तो ये मैं इसके अंदर दूध डाल दूं, या मेरे हाथ में मेरे स्कूल में ये डिटॉल मौजूद था हमारे स्कूल में, और मैंने इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर डिटॉल डाल दिया। क्या कर दिया बच्चों, डिटॉल डाल दिया। डिटॉल डालने से ये बिलियन देखिए, अब देखिए कोलाइडी बिलियन बन गया। क्या बन गया, कोलाइडी बिलियन बन गया। अब इस स्थिति में क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, जब हम इसे पानी में से गुजार रहे थे तो पानी के अणु प्रकाश के जो अणु होते हैं फोटोन, प्रकाश के भी तो अणु होंगे, वो भी तो चलेंगे प्रकाश के, फोटोन जो सीधी रेखा में चलते हैं, तो उसको परावर्तित नहीं कर पा रहे थे। अब क्या होगा, आप देखो मैं इसे लेजर लाइट डालूंगा और आप क्लियर देखोगे। और ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये इस वजह से हो रहा है कि अब जो कोलाइडी बिलियन के अणु हैं वो प्रकाश के जो अणु हैं फोटोन कहते हैं उनको परावर्तित कर रहे हैं। परावर्तित यानी उसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग फैला दे रहे हैं उन्हें। और देखो प्रकाश फैल जा रहा है ना, और प्रकाश फैलने की वजह से हमारी आंखों को बिल्कुल क्लियर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने इसके अंदर ये डालकर, डिटॉल डाल के जो बिलियन बनाया इसे क्या कहते हैं, कोलाइडी बिलियन। इसे आप दूध डाल के भी बना सकते हैं। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, और पानी के अंदर हमें उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, दिख रहा था, लेकिन कोलाइडी बिलियन में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ये प्रयोग हमने करके देखा, देख सकते हैं आप दोबारा इधर से देखिए, ये सादा पानी है और ये कोलाइडी बिलियन है। देखो किसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, कोलाइडी बिलियन, ठीक है। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, ठीक, धन्यवाद।